नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्टो 800 की एक और नई वीडियो। दोस्तों इसमें ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, और ये सिर्फ पेट्रोल पर मिसिंग कर रही है। और इसमें LPG किट भी लगा हुआ है, लेकिन ये LPG किट में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रही है। तो हम इसको लेके आए हैं संतोष भैया के पास और भोपाल में यहाँ। तो अभी चेक करवाएंगे कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी भैया ने यहाँ पर इसके स्पार्क प्लग खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो स्पार्क प्लग हम इसमें NGK के डलवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज हो चुके हैं। तो जब भी कोई मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो स्पार्क प्लग को आप ज़रूर ही चेंज करवाएं दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी अच्छे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए। और इसके टैपेट कवर वगैरह खुलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके टैपेट वगैरह भी सेट किए जाएंगे। उसके बाद इस गाड़ी को स्कैन करवाया जाएगा दोस्तों, और फिर इसको चेक करवाया जाएगा कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सिर्फ पेट्रोल पर ये मिसिंग कर रही है, LPG पर ये नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये एयर फिल्टर वगैरह सब खोलना स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखिएगा दोस्तों, कि इस गाड़ी में क्या क्या काम होगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। और ये पेट्रोल पर मिसिंग कर रही है दोस्तों, LPG पर नहीं कर रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कोई सेंसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो LPG है वो डायरेक्ट थ्रोटल बॉडी के यहाँ कनेक्ट रहता है गैस का पाइप, और जो पेट्रोल है दोस्तों वो ECM के थ्रू आपको कितना पेट्रोल मिलना चाहिए इंजन को सेंसर के हिसाब से चलता है। इंजेक्टर के द्वारा अंदर जाता है ये पेट्रोल, तो इंजेक्टर वगैरह भी यहाँ पर चेक किए जाएंगे। और यहाँ पर हमारे बीरन भाई वीडियो कॉल करके गाड़ी को पूरा देख रहे हैं। तो यहाँ इंजेक्टर की असेंबली निकलना स्टार्ट हो गया है, और इनको हम केमिकल से क्लीन करवाने के लिए भेजेंगे, और फिर ये क्लीन होकर जब आ जाएंगे तो हम इनको गाड़ी में वापस लगा देंगे। तो इनको बहुत आराम से निकालना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप इनको घर पर बिल्कुल भी ना निकालें। ये कुछ इस तरीके से इंजेक्टर लगे रहते हैं गाड़ी में, यहाँ से आपकी जो इंजन है वहाँ पर पेट्रोल जाता है दोस्तों इनके अंदर से। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अभी ये थोड़े गंदे हो रहे हैं, तो ये अभी केमिकल से क्लीन होकर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का टैपेट कवर भी खुल चुका है, और अब ये टैपेट पूरे सेट होंगे दोस्तों। अगर कोई से टाइट होंगे तो उनको ढीला किया जाएगा, लूज किया जाएगा। और इनका जो गेज रहता है, हर गाड़ी के अलग अलग गेज रहते हैं, आप टैपेट कवर की अंदर से हालत देख सकते हैं। तो इसको भी हम क्लीन कर कर लगाएंगे। और ये हमारे इंजेक्टर थे जो क्लीन होकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको अब गाड़ी में वापस लगाया जाएगा। और ये हमने NGK के न्यू प्लग डलवा दिए हैं तीनों, जो कि मेड इन जापान है दोस्तों। तो इनको लगने देते हैं, ये तीनों हमने चेंज करवा दिए हैं स्पार्क प्लग। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इनकी जो इग्निशन कॉइल है उनको भी अच्छे से खोल के क्लीन कर दिया है, क्योंकि इनके अंदर भी कार्बन आ जाता है तो गाड़ी मिसिंग करती है। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है पेट्रोल पर मिसिंग करने की, वो इनकी वजह से नहीं आती है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती तो गैस पर भी गाड़ी मिसिंग करती दोस्तों, LPG पर, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इनको अच्छे से क्लीन करवा दिया है, इनके अंदर जितना भी कार्बन था वो सब निकल चुका है। और अब इनको अच्छे से क्लीन करके गाड़ी में लगाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्लीन होकर लग जाते हैं, और अब इनको गाड़ी में लगने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी फिर स्कैन होगी दोस्तों, जब पूरी फिटिंग हो जाएगी उसके बाद गाड़ी को स्कैन किया जाएगा। तो ये हमारी तीनों इग्निशन कॉइल लग चुकी हैं, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OBD पोर्ट में ये गाड़ी स्कैन करने के लिए लगाया गया है। और अभी इसको पूरा चेक किया जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो
तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि इसका जो थ्रॉटल बॉडी का सेंसर है वो सही से काम नहीं कर रहा है पेट्रोल पर। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद दोस्तों इसकी मिसिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी इसका जो सेंसर है वो वीक हो रहा है। तो संतोष भैया ने बताया कि अगर आगे कभी प्रॉब्लम आती है तो इसकी थ्रॉटल बॉडी का जो सेंसर है उसको चेंज करना पड़ेगा, और थ्रॉटल बॉडी चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी इसको अच्छे से इन्होंने क्लीन कर दिया है और इसकी अभी मिसिंग ख़त्म हो गई है। तो अगर कभी आगे प्रॉब्लम आएगी दोस्तों तो फिर इसको चेंज किया जाएगा। तो अब हमारी गाड़ी फुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।